हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। ये जो पैरेलल ऑपरेशन है इसे हिंदी में समानांतर प्रचालन या समानांतर कनेक्शन आप बोल सकते हैं, प्रचालन कहा जाता है। और ये जो आवश्यकता है ये इसीलिए होती है कि यदि लोड जो है वो बढ़ जाए किसी एरिया का, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, एक ट्रांसफार्मर जो कि किसी एक पर्टिकुलर रेटिंग के लिए बनाया जाता है, तो लोड बढ़ने से वो ट्रांसफार्मर अब उस लोड को वहन नहीं कर सकता। तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, विद्युत प्रदाय की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर किया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा कि दोनों परिणामित्र जो होंगे या दो परिणामित्र जिन पर पैरेलल ऑपरेशन किया जाएगा, उसको जो पहले मान लीजिए किसी की रेटिंग कम है, मान लीजिए 1 KVA इसका 110 KVA है और इसका एक है 50 KVA, तो दोनों में अब जो पैरेलल ऑपरेशन किया जाएगा वो क्या होगा, उस पर भार जो है वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक ही परिणामित्र पर क्या होगा, या बड़े परिणामित्र बोलिए जिनको, जिनकी रेटिंग ज़्यादा है उस पर ही भारी ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इसमें जो पढ़ना है या क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा वह है कंडीशंस, क्या क्या स्थितियाँ हैं जिन पर पैरेलल ऑपरेशन जो है वो करना किया जाता है। तो कंडीशन में भी एक हमारी जो कंडीशन है वो है डिज़ायरेबल कंडीशन, मतलब ऐच्छिक स्थितियाँ जिसका पालन समानांतर प्रचालन हेतु होना चाहिए, और एक होती है हमारी आवश्यक स्थितियाँ, नेसेसरी कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं पैरेलल ऑपरेशन की। नेसेसरी कंडीशंस मतलब ये होना ही चाहिए, इनके बिना पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बोलूं तो सबसे पहले जो परिणामित्र लगने वाले हैं, द ट्रांसफार्मर्स जो कपल होने वाले हैं पैरेलली, वो क्या होनी चाहिए, उनकी पोलैरिटी, उनकी क्या ध्रुवता, पोलैरिटी शुड बी सेम, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन सेकेंड है कि परिणामित्रों की वर्त अनुपात, टर्न्स रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें वहाँ सेम होनी चाहिए, पहला है पोलैरिटी और दूसरा है टर्न्स रेशियो। तो ये दो चीज़ सेम हो गई। देन हम अगर नेसेसरी कंडीशन से हट करके हम बात करें किसकी, डिज़ायरेबल कंडीशंस की। डिज़ायरेबल मतलब ऐच्छिक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, बट ये कंडीशन जो है वो ऐच्छिक है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले डिज़ायरेबल कंडीशन है कि इंटरनल इम्पीडेंस, आंतरिक प्रतिबाधा, आप सभी को पता होगा प्रतिबाधा, इंटरनल इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, दोनों के जो इंटरनल इम्पीडेंस है उसके समक्ष जो वोल्टता है, मतलब वोल्टेज है, वो पूर्ण भार पर बराबर होनी चाहिए। इंटरनल इम्पीडेंस शुड बी सेम फॉर फुल लोड, पूर्ण भार के लिए जो इंटरनल इम्पीडेंस पड़ेगा वोल्टेज पे ऑफ कोर्स, वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन अगर बोलें तो इसमें है कि कुंडलन प्रतिरोध तथा प्रतिघात का अनुपात बराबर होना चाहिए। कुंडलन प्रतिरोध मतलब जो कॉइल है या आप वाइंडिंग बोलें, तो द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस होगा क्लियर है प्रतिघात, R/X का जो रेशियो है कॉइल के, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों ही ट्रांसफार्मर्स के लिए। तो ये जो है ये डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं, और अगर ऐसी स्थिति सुनिश्चित करती है तो दोनों परिणामित्र जो हैं, अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है R/X रेशियो वाला, तो उनको क्या होगा, जो दोनों ट्रांसफार्मर्स हैं वो इक्वल पावर फैक्टर पर काम करेंगे, शक्ति गुणांक जो है वो समान हो जाएगा, और अपनी रेटिंग के अनुसार किलोवाट और KVAR शेयर करेंगे। ठीक है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को उसी हिसाब से शेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, R/X का रेशियो। तो ये दो डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं और नेसेसरी कंडीशंस आपके पास हैं, पोलैरिटी सेम होना चाहिए और टर्न्स रेशियो विल बी सेम। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स।
तो ये यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन करके आता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अप टू 5 मार्क्स क्वेश्चन ये बनेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन एंड व्हाई पैरेलल ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सारा जवाब आप लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।